विजडम पीयू साइंस कॉलेज बीदर। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिलेगा। इस कॉलेज में लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, उसके साथ साथ बेंगलुरु और बीजापुर से एक्सपर्ट लेक्चरर्स उपलब्ध है, जिन्होंने आपको नीट, सीईटी, जेईई और आईआईटी के लिए कोचिंग देंगे। और एक विशेषता यहाँ पर है कि गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग कैंपस उपलब्ध है। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एमएमसी का एहतजाज। चंद दिनों पहले झारखंड में तबरेज अंसारी का मॉब लिंचिंग के दौरान बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जिसकी शदीद मजम्मत करते हुए आज शहर बीजापुर में बीजापुर जिला मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल एमएमसी के जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके चलते शहर बीजापुर के अंबेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस तक पद यात्रा करते हुए तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के दौरान किए गए कत्ल के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए बीजापुर डीसी के जरिए भारत के राष्ट्रपति को मनवी दी गई, जिसके बाद एमएमसी के सदर सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी ने खसूसी दुआ भी की। इस मौके पर एमएमसी के सदर सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी, कांग्रेस लीडर अब्दुल हमीद मुशरिफ, मौलाना मुजीबुर रहमान मदनी, प्रोफेसर असलम, एडवोकेट बशीरुज़्ज़मा लाहौरी, बीजापुर कॉरपोरेशन के एक्स मेयर और मौजूदा कॉरपोरेटर सज्जाद पीरा मुशरिफ, फैयाज कलादगी, अजीम इनामदार, एमएमसी के जिम्मेदारान के अलावा बड़ी तैदाद में लोग थे मौजूद। हम आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में डीडीसी साहब यहाँ तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। पुरअमन तरीके से बीजापुर ज़िले का मुत्तहिदा मुसलमानों का वाहिद प्लेटफॉर्म मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल, इसके अहदेदारान, जिम्मेदारान, अरकान और बड़ी तादाद में नौजवान तशरीफ लाए हुए हैं। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे की गर्ज़ो ग़ायत चंद दिन पहले झारखंड में तबरेज़ अंसारी का मॉब लिंचिंग के दौरान बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इसकी मजम्मत में आज का ये एहतजाजी मुजाहरा इसी मजम्मत में बुलाया गया है। हम सब बीजापुर ज़िला के मुसलमान, बल्कि मुसलमानों के अलावा बीजापुर ज़िला के सेकुलर हमारे गैर मुस्लिम भाई, हम सब मिल कर के तबरेज़ अंसारी के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल की जानिब से हम एडीसी साहब के तवसुत से मुतालबा करते हैं सदर हिंदुस्तान से कि मॉब लिंचिंग के दौरान तबरेज़ अंसारी के कत्ल में जितने लोग मुलविस हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा नहीं, हम सब एक ही सज़ा का मुतालबा करते हैं कि तबरेज़ अंसारी का कत्ल हुआ है, इस कत्ल में जितने लोग मुलविस हैं उन्हें भी फांसी की सज़ा दे दी जाए, उन्हें भी कत्ल की सज़ा दे दी जाए, ये हमारा पुरज़ोर मुतालबा है। उसके अलावा हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये भी मुतालबा करते हैं कि आपने जिस तरह ट्रिपल तलाक के हवाले से कानून बनाने में दिलचस्पी दिखाई है, इसका कितना फ़ायदा होगा कितना फ़ायदा नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को ट्रिपल तलाक से मुतल्लिक कानून की उतनी ज़रूरत नहीं है, इस बात की ज़रूरत है कि आप मुल्क में मॉब लिंचिंग से मुतल्लिक, हुजूम तशद्दुद से मुतल्लिक कानून बनाएं, ऐसा कानून बनाएं कि जो भी मॉब लिंचिंग में मुलविस होगा उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने बसने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी, खा हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, हमारा अपना देश बड़ा अजीम देश है, इस देश का नाम चंद लोगों की शरारत की वजह से बदनाम हो रहा है, इस देश की अजमतों पर बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के वाकयात से हर्फ आ रहा है, बदनुमा दाग लग रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, खा इस्लाम हो खा हिंदुइज़्म हो, तशद्दुद की, टेररिज्म की, दहशतगर्दी की या किसी को बेदर्दी के साथ मारने की तालीम किसी भी मज़हब में नहीं दी जाती।
जय श्री राम का नारा आप लगाना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप नारा लगाइए, आपकी अपनी मजहब का मामला है। श्री राम की तालीमात उसमें मोहब्बत है, श्री राम की तालीमात में उखुवत है, श्री राम की तालीमात में टॉलरेंस है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम श्री राम की तालीमात में मौजूद है। आप इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनालिटी को उनका नाम लेकर के उन्हें बदनाम ना करें। हम इस बात की जैसे मजम्मत करते हैं कि कोई बनाम मुसलमान अल्लाहु अकबर कह करके दहशतगर्दी करे, वो भी गलत है, और कोई हिंदू श्री राम का नाम लेकर के दहशतगर्दी करे, वो भी गलत है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शंस दिए गए हैं मरकजी हुकूमत को कि मॉब लिंचिंग से मुतल्लिक कानून बनाया जाए, मॉब लिंचिंग से मुतल्लिक कानून बनाया जाए, इतना सख्त कानून बनाया जाए कि जो भी इसमें मुलविस हों उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम सूबे कर्नाटक की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो सूबे कर्नाटक में मॉब लिंचिंग के हवाले से सख्त कानून बनाए, ताकि हम कर्नाटक में हों या हिंदुस्तान में हों, पुरमन तरीके से हिंदुस्तान में जीने की हम सब मिल करके कोशिश करें, हमारे अपने देश के तिरंगे की शान बढ़ाएं, हमारे अपने देश का नाम पूरी दुनिया में आगे लाएं, हम प्यार मोहब्बत वाले देश में रहें। पार्लियामेंट में किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो पुराना हिंदुस्तान हमें लौटा दिया जाए, हमें डिजिटल हिंदुस्तान की कतई ज़रूरत नहीं है, हमें प्यार मोहब्बत वाले हिंदुस्तान की ज़रूरत है। वो हिंदुस्तान हमें चाहिए जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक बर्तन में खाना खाते थे, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिस हिंदुस्तान में एक कॉलोनी में हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, हमें उस हिंदुस्तान की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से, ADC साहब के तवस्सुत से हमारा ये पैगाम हुकूमत हिंदुस्तान तक पहुँचे, सदर हिंदुस्तान तक पहुँचे, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पैगाम ADC साहब सदर हिंदुस्तान तक पहुँचाएँगे। और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखेगा, हिंदुस्तान में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी अमन व अमान के साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम सब 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान के तिरंगे को दुनिया के सारे मुल्कों के झंडों में सबसे ऊपर ले जाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं लाहौरी वकील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो ये मेमोरेंडम पढ़ करके सबके सामने सुनाएं, मीडिया वालों से भी हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाएं। मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से ये मेमोरेंडम ADC साहब को दिया जा रहा है, लाहौरी वकील साहब मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल के लीगल एडवाइज़र हैं, वो ये मेमोरेंडम पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद ADC साहब अपने तासुरात का इजहार करेंगे, फिर दुआ के बाद ये मजलिस ख़त्म होगी। श्री रामनाथ कोविंद, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। Respected sir, we the president, office bearers, members of Muslim Muttahada Council and all peace loving people of Vijaipur, Karnataka state, with the feelings of shock and profound sorrow, condemn the lynch terrorism in all parts of this great country of Sufis and Sons. The repeated lynch terrorism may prove to be a very dangerous for India, which is a land of multiple religious, linguistic and regional groups and may be described as a nation of nations. It is very unfortunate that every moment of democracy is being dismantled by committing unprovoked violence against the minorities. With deep concern, we would like to bring few such atrocities on minorities to your kind notice with a hope of fair action against the culprits. Firstly, on May 22nd, in Seon, the state of Madhya Pradesh, a Muslim couple was brutally beaten and forced to shout Jai Shri Ram. Secondly, one Mohammad Barkat from Bihar was lynched in Gurugram. Thirdly, on 20th June 2019, Mohammad Momin in Rohini Sector 20, Delhi, was followed by some men and forced to say Jai Shri Ram. Fourthly, on June 13th, Mohammad Shahrukh Haldar was also forced to say Jai Shri Ram and subsequently pushed off the train. Fifthly, most shameful inhuman act was committed against Tabrez Ansari, who was tied against a pole and beaten for several hours and also forced to say Jai Shri Ram and Jai Hanuman. Due to such unprovoked incidents, the glaring image of our country is getting diminished on the international level.
The international community is day by day recognizing our country as one full of religious intolerance and violence inspired by communal hatred. With such a bad stigma, we cannot fulfill our dream of having a strong and progressive India. If minorities who are at least 20% of population feel that they are persecuted and if they are prevented from taking part in the march for progress, then this country will not progress. The Muslim community is being victimized in all parts of the country. Their religious sentiments are hurt every now and then. The concerned law and order maintenance wings are doing nothing to stop democracy. If the largest democracy on the face of the earth is lost to religious fanaticism, then the very pledge in the form of preamble of our constitution will be negated. Therefore, sir, we request your kind self to direct stringent action against the culprits in the interest of progress of our nation. Thank you, sir. Amin go, bhai, amin go. Abbas Abini, ya Zakar, Saza, Malika, Basha, ya Ilaha, Al-Alamin. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Hannanu, ya Mannanu, ya Badiya, Samawati, wa Radhi, Azizu, ya Ghaffar. Apne fazl karam se aqa alayhi salam ki wasile se hamari duaen apni bargah mein kabul farma. Mola hum sab par apne fazl karam ki barish farma. Mola hamare chote bade gunahon ko maaf farma. Mola hamari siyan shiari ko dargozar farma. Jaane anjaane mein mola humse jitni khataen hui un khataon ko maaf farma. Mola hum sab ko shariat e mutahhara ke mutabik zindagi guzarne ki taufeeq ata farma. Mola tabarak wa taala muslim متحدہ کونسل کی جانب سے منعقدہ اس مظاہرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی تبریز عالم کو شہادت کا درجہ عطا فرما. مولا تبارک و تعالی تبریز عالم انصاری کو مولا اپنے فضل و کرم سے اسے اس کی قبر میں بقعہ نور بنا. مولا تبارک و تعالی اسے کروٹ کروٹ رحمتوں سے مالا مال فرما. اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا تبارک و تعالی اس کی بیوی پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. اس کے گھر والوں پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. اس کے پسماندگان کو اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. مولا تبارک و تعالی خصوصی طور پر اس وطن میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرما. بالخصوص اس ملک میں رہنے بسنے والے فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرما. ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری اس اٹھائی ہوئی آواز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی اس دیش میں رہنے بسنے والے اہل ایمان پر کرم فرما. مولا تبارک و تعالی وطن عزیز کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اس ملک میں امن و امان عطا فرما. بھائی چارہ عطا فرما. مولا تبارک و تعالی باہمی محبت اور اخوت عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیت و تسلیم. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور خبروں کے لیے جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.